नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मेरे कलेक्शन के 20 रुपए के नोटों के बारे में। 1970 में सबसे पहले 20 रुपए का नोट जारी किया गया था। यह नोट RBI गवर्नर एस जगन्नाथन के सिग्नेचर में इशू किया गया था। इस नोट की साइज थी 147x62 mm। नोट के अगले भाग में बाई तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी, जिस पर अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था और दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट की तस्वीर बनी हुई थी और बाईं साइड में विभिन्न भारतीय भाषाओं में 20 रुपए लिखे हुए थे। 20 रुपए का दूसरा नोट 1970 से लेकर 2002 तक इशू किया जाता रहा। ये नोट पिछले जारी किए गए 20 रुपए के नोट से लंबाई में थोड़ा सा बड़ा था। ये नोट 148x62 mm का था। नोट के बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी, जिस पर अशोक स्तंभ का वाटरमार्क बना हुआ था और दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। इस नोट पर सामने की तरफ विभिन्न भारतीय भाषाओं में 20 रुपए लिखे हुए थे। नोट के पिछले भाग में उड़ीसा में स्थित कोणार्क के सन टेम्पल की पहियों की तस्वीर बनी हुई है। हमारा अगला 20 रुपए का नोट 2006 से 2012 तक इशू किया जाता रहा और इस नोट को गांधी इशू भी कहते हैं। इस नोट के बाईं तरफ जो वाटरमार्क का जगह बना हुआ था, उस पर महात्मा गांधी का वाटरमार्क था और दाहिनी तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में ट्रॉपिकल बीच की तस्वीर बनी हुई थी। ये नोट साइज में 147x63 mm का था। 2012 और 2018 के बीच में इशू किए गए 20 रुपए के नोटों पर साल 2010 में जारी किए गए रुपी सिंबल को दर्शाया गया था। पिछले नोटों पर ये रुपी सिंबल मौजूद नहीं थे। दोनों ही नोट बिल्कुल एक जैसे थे और एक साइज के थे। ये दोनों नोट कई RBI गवर्नर्स के सिग्नेचर्स के साथ में जारी हुए थे। मेरे पास ये नोट उर्जित पटेल और विमल जालान के सिग्नेचर्स के साथ में मौजूद हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखा है जहाँ से आपको RBI गवर्नर्स और उनके 10 ईयर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। 20 रुपए का जो सबसे नया नोट है वो 2019 से लेकर अब तक जारी किया जाता रहा है। ये 20 रुपए का नोट RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के सिग्नेचर्स के साथ में पाए जाते हैं। ये 20 रुपए का नोट पिछले सभी 20 रुपए के नोटों से साइज में छोटा था और इस नोट की साइज थी 129x63 mm। नोट के दाहिने साइड में वाटरमार्क के लिए जगह बना हुआ था, जिस पर महात्मा गांधी का वाटरमार्क बना हुआ था और बाईं तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में महाराष्ट्र के एलोरा केव्स को दर्शाया गया था। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 20 रुपए लिखे हुए थे। स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर बनी हुई थी और नोट के जारी किए गए साल को लिखा गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।